स्माइल करो यार, स्माइल स्माइल वेट लास्ट कि सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब इतने वर्ष हो गए थे ना करते हुए, तो लोग उम्मीद आपसे कम लगाने लगते हैं, फिर वो ऐसे ही सोचते हैं ना कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं हो गया। बट सिलेक्शन के बाद तो एक यूपीएससी और यूपी के बीच में जब डिसीज़न लेना होता था ना, तो मोस्टली यूपीएससी लेते हैं हम लोग डिसीजन की, उसको देंगे पहले। लेकिन निर्णय उन लोगों के लिए ठीक है, जैसे जो वैसे सब्जेक्ट जिन लोगों के पास जो ह्यूमैनिटीज़ के थे, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाता था थोड़ा बहुत। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एंड बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। सर अपना नाम बताएं और अपनी बेसिक जानकारी पहले तो दें एस्पिरेंट। मेरा नाम विवेक सिंह तोमर है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद एमटेक भी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, एनआईटी पटना से मेरा एमटेक है और मैं कानपुर नगर से हूँ। बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी को लेकर, तो सर कैसी रही स्ट्रेटजी आपकी कि आपका सिलेक्शन हुआ है, कुछ गाइड करना चाहें? स्टार्टिंग में तो प्री काफ़ी बार रुक गया मेरा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेटजी जब यूपीएससी और यूपी के बीच में जब डिसीज़न लेना होता था ना, तो मोस्टली यूपीएससी लेते हैं हम लोग डिसीज़न की, उसको देंगे पहले। लेकिन उसके चक्कर में यूपी नहीं निकल पाता है, तो फिर उसको छोड़ के फिर यूपी पीसीएस की ओर जब फोकस किया, तो उसके लिए फिर ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, घटना चक्र भी कई बार पढ़ी है और फिर कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी। फिर जब प्री एक बार निकला तो ये मेरा वैसे दूसरा इंटरव्यू था, पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, उस बार उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर जब प्री आपके निकलते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है कि अब आगे मेंस के लिए लगते हैं। ठीक है, तो मेंस में शिवम सर ने काफ़ी हेल्प की है उसमें। ठीक है, फिर इंटरव्यू में शिवम सर और पूरा ग्रुप था 50 लोगों का, तो उसमें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, उससे बहुत हेल्प मिली है इंटरव्यू में। सर बात करते हैं आपके बुक लिस्ट को लेके कि कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो किया और किसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिस्क्राइब करें। बुक लिस्ट में प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है घटना चक्र और लूसेंट आपको एक बेसिक आइडिया तो दे ही देते हैं। उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उससे यूपीएससी पे भी फोकस किया जा सकता है। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना तो मस्ट है, ठीक है, जो 11th क्लास की है और 12th क्लास की। उसके अलावा मेरा ऑप्शनल ऐसे ज्योग्राफी था, तो उसके लिए बेसिक के लिए ज्योग्राफी, फिर उसके बाद सविंदर सिंह 2-3 सब्जेक्ट के लिए, फिर उसके अलावा जो इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है, एक सर है उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, पॉलिटी के लिए क्वेश्चन बैंक आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत सफिशियंट है वो, और एक्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज का सर रोल अगर आप बताना चाहें कि मॉक टेस्ट जो होता है प्रीवियस ईयर जो आपके हैं और मॉक टेस्ट में आपने क्या मेजर डिफरेंस देखा है, और साथ ही उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सेक्शनल फुल लेंथ कैसे अप्रोच करें वो एस्पिरेंट जो न्यूबी हैं और जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं? उनके लिए सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप पहले अपना एक मजबूत पक्ष बनाइए कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और अगर आपके सामने अगर पेपर में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करिए जिसमें आप सबसे स्ट्रांग हैं। क्योंकि अगर आप जैसे पॉलिटी अगर स्ट्रांग है उसमें अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर आप 15 भी सही कर लेते हैं तो एक आप सॉलिड बेस बन जाता है कि मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं अब ये। फिर उसके बाद आप उन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए जो आपके ज़्यादा स्ट्रांग है, उस स्ट्रेटजी से पेपर सॉल्व करते रहिए तो वो ज़्यादा है। मॉक का ये कहना है कि मॉक तो मस्ट है, ठीक है, उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आप अटेम्प्ट करते हैं, हाँ ठीक है, आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पोर्शन में मुझे ज़्यादा फोकस करना है। अगर करंट वीक है तो आप करंट स्पेसिफिक भी मॉक लगा सकते हैं डायरेक्टली। सर आपके लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 6वें अटेम्प्ट में क्लियर किया, उन 5 अटेम्प्ट और ये 6 जो आपका अटेम्प्ट था क्या चेंज किया आपने कि ये सफलता आई है? स्ट्रेटजी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो पाता है, बट ये है कि थोड़ा सा अप्रोच बदल जाती है आपका जब एक बार, हाँ एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, फिर मॉक में और फिर बहुत सारे सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, आपकी जो कमियाँ होती हैं वो पता चल जाती हैं आपको कि पिछली बार ये जैसे इंटरव्यू में अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो इंटरव्यू में वो मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे मेंस दे रहे हैं मेंस में अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि अंडरलाइन करना है, उनको हाईलाइट करना है, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, उससे इंटरव्यू मतलब मेंस में काफ़ी फ़ायदा होता है। सर बात आती है आपके फैमिली को लेके, तो कैसी फैमिली आपका बैकग्राउंड है, क्या कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड है घर में या पहले आप सरकारी ऑफिसर हैं, साथ ही जब सुना पेरेंट ने आपका कि सिलेक्शन हो गया क्या रिएक्शन था?
पेरेंट्स का रिएक्शन तो काफ़ी बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब इतने वर्ष हो गए थे ना करते हुए, तो लोग उम्मीद आपसे कम लगाने लगते हैं, फिर वो ऐसे ही सोचते हैं ना कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं हो गया, बट सिलेक्शन के बाद तो एक एक्साइटमेंट अलग ही रहता है। अच्छा, थोड़ा अपने पापा के बारे में बताएं कि वो आप ग्राउंड से। मेरे फार्मर हैं और मम्मी मेरी हाउस मेकर हैं और हम चार भाई हैं। तो सबसे बड़े जो भैया हैं मेरे, वो असिस्टेंट मैनेजर हैं होंडा मोटरसाइकिल्स में अहमदाबाद में। एक एस्पिरेंट से आप सरकारी जॉब में आ गए, अब कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है पोस्ट नायब तहसीलदार हुआ है अभी सिलेक्शन, और आगे देखते हैं इस बार और एक अटेम्प्ट देने का मूड तो है अभी। अच्छा सर, बात करते हैं आपकी जर्नी से, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ऑप्शनल क्या था इस यूपीपी से? जियोग्राफी ऑप्शनल था मेरा। ठीक है सर, अभी जियोग्राफी आपका था और साथ ही अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चैलेंज फेस करना पड़ेगा एस्पिरेंट को, या किनको चैलेंज फेस करना पड़ेगा और किसके लिए सही निर्णय है? निर्णय उन लोगों के लिए ठीक है जैसे जो वैसे सब्जेक्ट जिन लोगों के पास जो ह्यूमैनिटीज़ के थे उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाता था थोड़ा बहुत, तो अब नया चैलेंज ये आएगा कि अगर यूपी का सिलेबस जोड़ दिया गया तो यूपी के जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक अलग स्ट्रेटजी चाहिए, नया सिलेबस होगा तो उसके लिए कंटेंट भी अभी नहीं अवेलेबल है, तो जैसे जैसे कंटेंट आएगा, जैसे जैसे सिलेबस मोर डिफाइंड होगा तो यूपी के बच्चों को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन सर, बात करें गांव में रहने वाले एस्पिरेंट की, जैसे हम मुखर्जी नगर रहते हैं, हमें पता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, नए कंटेंट मिल जाते हैं, जो गांव में दूर रह रहा है, जो सिर्फ यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा है, उनका गैदरिंग नहीं हो पाता न्यू एस्पिरेंट से, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे तैयारी अपनी स्टार्ट करें यूपी पीसीएस की, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू एस्पिरेंट जो गाँव में रह रहे हैं? उनके लिए यही कहूँगा कि अभी यूट्यूब पर काफ़ी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल हो गया, जिसमें आप बहुत सारे फुल लेंथ वीडियोस भी आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, और वहाँ पर लोग टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन करवा देते हैं, तो घर बैठ के भी आप अगर यूट्यूब और ऑनलाइन मीडियम का सहारा लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बेसिक से स्टार्ट कीजिए, आपका जितना अच्छा बेसिक होगा। हाँ जी, मैंने वाजीराम से ली थी मैंने। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड होप आपका करियर और ब्राइट हो। थैंक यू सर। गाइज, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस सीरीज में और कुछ टॉपर्स हैं उनका भी मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय।